पंजाब की विस्की चंडीगढ़ नालों भी सस्ती और बियर्स भी बहुत घट प्राइज थे। पंजाबियों लाकिया मौजा रॉयल स्टैग ओनली 360 रुपीज़ च, ब्लेंडर स्प्राइट 580 रुपीज़ च, 100 पाइपर्स ओनली इन 1000 रुपीज़। वीडियो नो दबा के शेयर कर दियो, दोबारा कहने की लोड़ ना पवे। हाय गाइज, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। कुछ दिनों से एक PDF फाइल है जो कि बहुत ही वायरल हो रही है और उस लिस्ट का नाम है पंजाब लेकर प्राइजेस 2022। और उस लिस्ट में प्राइजेस इतने कम बताए गए हैं कि एक सपने जैसा लग रहा है या फिर यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि क्या प्राइजेस इतने भी कम हो सकते हैं। लेकिन जब चंडीगढ़ और हरियाणा जैसी सिटीज़ के प्राइजेस देखते हैं ना, तो इसको नकारा भी नहीं जा सकता। और आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि क्या ये लिस्ट बिल्कुल सही है या फिर फेक है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि इस लिस्ट में प्राइजेस क्या क्या बताए गए हैं। बहुत सारे प्राइजेस इस लिस्ट में दिए गए हैं, लेकिन मैं कुछ फेमस विस्कीज के ही आपके साथ प्राइजेस शेयर करूंगा। जैसे कि रॉयल स्टैग विस्की है, यहाँ पे आपको ओनली 360 रुपीज़ में आपको मिलने लगेगी इस लिस्ट के हिसाब से, जो पहले 730 रुपीज़ में मिलती थी। और ब्लेंडर स्प्राइट और सिग्नेचर जैसी विस्कीज जो पहले 900 रुपीज़ में मिलती थी, वो अब 580 रुपीज़ से मिलने लगेंगी। और 100 पाइपर्स ब्लैक एंड व्हाइट और टीचर्स हाईलैंड का प्राइस हो जाएगा 1000 रुपीज़ ओनली, जो कि पहले 1500 रुपीज़ में मिलती थी। और ये लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे रम्स के भी प्राइजेस को कम कर दिया गया है। और ये लिस्ट कहती है कि ओल्ड मॉन्क ट्रिपल एक्स रम जो पहले 630 रुपीज़ की मिलती थी, अब वो मिला करेगी 280 रुपीज़ से। और मैजिक मोमेंट जो प्लेन है, वो मिलेगी आपको ओनली इन 360 रुपीज़, फ्लेवर इन 420 रुपीज़। और बियर्स जो हैं किंगफिशर स्ट्रॉन्ग, हेवर्ट 5000, थंडरबोल्ट और ट्यूबर्ग जैसी बियर्स, वो आपको 650 ml रुपीज़ की मिलेंगी ओनली इन 110 रुपीज़। और प्रीमियम बियर्स का प्राइस हो जाएगा 150 रुपीज़। लेकिन क्या ये प्राइजेस लागू होंगे? आपका क्या ओपिनियन है, आप मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या इसी लिस्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, या जो रेगुलर प्राइजेस यहाँ पे चल रहे हैं वही रहने चाहिए। लेकिन ये लिस्ट आने से पहले एक और न्यूज़ आई थी कि अब पंजाब में जो लिकर है वो MRP पे सेल होगा। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। और वैसे भी इस बार 31 मार्च को ठेके नहीं टूटे थे, जिसकी वजह है कि न्यू एक्साइज पॉलिसी है जो लागू नहीं हो सकी थी, क्योंकि पंजाब में एक नई गवर्नमेंट आई थी और उनको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दे दिया गया था नई एक्साइज पॉलिसी को लागू करने के लिए। यानी कि जो 31 मार्च को जो यहाँ पे ठेके नहीं टूटे थे, वो अब टूटेंगे 30 जून को। ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है, आप लिख के ले लीजिए। लेकिन MRP को लेके भी यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, क्योंकि लोग समझते हैं कि MRP का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये ब्लेंडर स्प्राइट की ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू बॉटल है, और इसमें आपको MRP तो मेंशन की गई है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, मिनिमम रिटेल प्राइस है। यानी कि ये जो इसका मिनिमम रिटेल प्राइस 908 रुपीज़ है, इसको इसके ऊपर सेल किया जा सकता है, इसके नीचे सेल नहीं किया जा सकता। और अगर यहाँ पे मिनिमम रिटेल प्राइस की जगह MRP का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो, तो इस प्राइस के ऊपर आपको कोई भी विस्की का चार्ज नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो शायद कंज्यूमर्स को भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, उनको भी कंपटीशन की वजह से शायद कुछ पैसे कम खर्चने को मिले। लेकिन जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि गवर्नमेंट इस बार 20-30% एक्साइज कलेक्शन को इंक्रीज करने वाली है। और मुझे तो अब ये फिक्र होने लग गया है कि प्राइजेस इस बार जो है इंक्रीज ना हो जाए। और वैसे भी अगर इस लिस्ट के बारे में बात करूं, तो इसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टैंप यहाँ नहीं है, या फिर कोई भी ऑथेंटिकेशन लेटर इसके साथ नहीं है, तो इस लिस्ट को हम बिल्कुल ही जेन्युइन या फिर फेक नहीं बता सकते हैं। और मैं भी इस लिस्ट को सिरे से खारिज नहीं कर पा रहा हूँ, टोटली फेक भी नहीं बता पा रहा हूँ, क्यों काफ़ी डिटेलिंग में इस लिस्ट में प्राइजेस को दिया गया है। और वैसे भी ये ऐसे टाइम पे वायरल होती है जब पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज पॉलिसी को अनाउंस करना था, और अगर इन्होंने 1 जुलाई से अपनी एक्साइज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, तो अगले कुछ दिनों में इनको अपनी एक्साइज पॉलिसी जो है उसको अनाउंस करना पड़ेगा। और अगर ये लिस्ट अनाउंस हो जाती है, तो भाइयों मज़ा आ जाएगा पंजाब में। चंडीगढ़ से विस्की लाने वालों को तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी पंजाब के बाहर जाने के लिए, और इसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है और लोगों का भी फ़ायदा है।
तो भाइयों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल पे अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक आप खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, पियो करो मजा, लो नज़ारे, चीयर्स।